हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो ये बहुत ही क्विक वीडियो है, साथ ही साथ आप लोगों को मैं अपडेट देने वाली हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने कुछ बातें बोली थी, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारी गलतफहमी दूर करने वाली हूं, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग टेंशन में आ गए थे, कुछ लोगों को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसीलिए ऑडियंस किसी भी तरीके से गुमराह ना हो, ना ही ऑडियंस को किसी भी तरीके से गुमराह किया जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले जो हैं वो 2, 4 या 10 लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम ऑडियंस को, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, उन लोगों को मैं क्लियर एक मैसेज और क्लियर एक पिक्चर दिखाना चाहती हूं। सबसे पहली बात कि ये मुद्दा उठाया जा रहा है, ये मुद्दा सुबह से कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, DM भी मेरे पास आ रहे थे कि नीतू ने अनफॉलो कर दिया है अपनी फैमिली मेंबर्स को, यानी कि आंटी को, रिकी को और वहाँ से सैंडी को। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई लेटेस्ट अभी अभी का नहीं है कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया है। जो लोग जानते होंगे और अगर जिन्हें नहीं भी पता होगा तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी जस्ट मैंने सब चीज़ें वेरीफाई करी हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये अपडेट लेके आई हूँ कि नीतू ने जब लास्ट टाइम पे कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तभी ने सबने जब अनफॉलो फॉलो हुआ था, उसके बाद से अभी तक सब चीज़ें एज इट इज़ हैं। नई एक्टिविटी कुछ भी नहीं हुई है, ना तो न्यूली अभी आंटी ने किसी को अनफॉलो फॉलो किया है, ना ही नीतू ने ऐसा कुछ किया है। तो जितने भी लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है, या ये बोलिए कि गलतफहमी डेवलप की जा रही है, मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि ये अनफॉलो फॉलो तो पिछले 6-7-8 महीने पहले से ही है और ये तभी से एज इट इज़ है, नया नया अभी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ और आप लोग नोटिस करना, पिछले कुछ दिनों से हालांकि ये चीज़ें मैं भी नोटिस कर रही हूं, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी थोड़ी मोड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा नोटिस नहीं करते, अब सुधर जाएंगे तब सुधर जाएंगे, लेकिन जब चीज़ें हद से पार हो जाती हैं ना, तो तब आई थिंक हम लोगों को क्लियर करने के लिए आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो सब जगह पे हमारी नज़र रहती है, सारी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, प्लस ऑडियंस का प्यार है, उनका साथ है, तो वो लोग भी बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा, क्योंकि आप लोगों ने ही नोटिस किया कि कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। चलो यहाँ तक समझ में आता है कि लखनीत व्लॉग्स में कमेंट्स कर रहे हैं नेगेटिव, आंटी के व्लॉग में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन लखन और नीतू के खिलाफ अदर व्लॉगिंग चैनल के नीचे जाके भी नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं। अब इस बात का मुझे मतलब बताइए, क्या कोई भी फ़ैन या कोई भी जो व्यूअर होगा वो ऐसी हरकतें करता है? वो किसी कंटेंट को देख के उस पर ये चीज़ें करता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये 5-7 लोगों का जो ग्रुप और जो गैंग है ना, ये कहीं ना कहीं फिर से एक्टिव हो गया है, जो पिछले 5-7 महीने से बिल्कुल शांत हो गया था, क्योंकि फैमिली ने इनके मुंह पे एक बहुत अच्छा तमाचा मार दिया था अच्छे से सब चीज़ें सेटल करके। तो ये गैंग और ये ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया है, इसीलिए ना तो ये सिर्फ आंटी और लखन के चैनल पे ये सब चीज़ें कर रहा है, बल्कि ये अदर लोगों के चैनल्स पे जाके भी ये सब ऊटपटांग मैसेजेस कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंकल आंटी के या फिर लखन नीतू के कॉन्टैक्ट में है, या उनके फ्रेंड्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनके चैनल्स के कॉमेंट सेक्शन में जाके भी कॉमेंट कर रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आंटी की फ्रेंड के घर पर डॉटर हुई थी, जिसकी खुशी आंटी ने बहुत अच्छे से मनाई थी, अपना पूरा पार्टिसिपेशन भी वहाँ पे दिखाया था, जितना एक दोस्त के नाते, एक सच्ची बेस्ट फ्रेंड के नाते होता है, आंटी ने उससे बढ़ चढ़ के अपनी दोस्त की खुशी में फुल मौज मस्ती करी, फुल तरीके से शरीक हुई, क्योंकि आंटी की वो फ्रेंड थी, उन्होंने अपनी खुशी से ये सब चीज़ें करी। अब उस चीज़ में अगर आप कंपेयर करोगे कि लखन नीतू ने ये सब चीज़ें क्यों नहीं करी, तो भैया परिवार एक ही है, फैमिली एक ही है, अगर फैमिली से कोई भी इंसान किसी की खुशी में शरीक हो रहा है तो इसका मतलब पूरा परिवार उस चीज़ में शरीक है। अगर आंटी जो घर की गार्जियन है वो जाके शरीक हो गई, तो वो सारे बच्चों के हिस्से का अपने पूरे परिवार की तरफ से खड़ी हो गई है वहाँ पे। और दूसरी बात कि उन लोगों ने अभी कोई फंक्शन नहीं किया है, अभी उनकी जस्ट डिलीवर हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा, वो जब भी ऐसा कोई नेमिंग सेरेमनी करते हैं या जब भी कोई सेलिब्रेशन करते हैं, तब की बात तब है, अभी तो वो घर आए हैं और उस समय पे आंटी अवेलेबल थी, तो उन्होंने वहाँ से अपनी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि आंटी की वो बेस्ट फ्रेंड है, आंटी का जाना तो वहाँ पे बनता ही बनता था। अब भले ही फैमिली के बीच में ऐसा कोई भी थॉट ना आया हो, आप लोगों को नहीं पता कि फ़ोन में उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया होगा, एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे दी होंगी, लेकिन फिर भी इन लोगों को चाहिए कि हर किसी के व्लॉग में जब तक अपीयरेंस ना हो तब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होती। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगी कि जब रूबी की बेटी हुई और वहाँ पे जब लखन और नीतू गए रूबी
को कंग्रेचुलेट करने गए, उनकी खुशियों में शामिल हुए, तो वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया कि ये तो कंटेंट लेने के लिए आ गए। पढ़े होंगे आप लोगों ने भी वो कमेंट, क्योंकि वो मैंने भी पढ़े थे। अगर आप किसी की खुशी में जाते हो और वहाँ का वीडियो बना देते हो तो फिर आप कंटेंट लेने के लिए आए हो, लेकिन अगर आप उस चीज़ का वीडियो नहीं बनाते हो और बैक कैमरा बधाइयाँ देते हो, खुशी सेलिब्रेट करते हो, तो वो आप लोगों को दिख नहीं रहा। तो मतलब चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, क्यों इन लोगों के रिलेशनशिप के पीछे पड़े हुए हो? दोस्तों के बीच में झगड़े करवा रहे हो, है फैमिली फ्रेंड्स के बीच में झगड़े करा रहे हो, माँ बेटे के बीच में झगड़े करा रहे हो, फैमिली मतलब कहाँ कहाँ तक अपना ये गैंग लेके पीछे पीछे भागोगे और कहाँ कहाँ तक लखन और नीतू को नेगेटिव दिखाओगे या उनकी फैमिली को नेगेटिव दिखाओगे या उनके खिलाफ उनके खुद के दोस्तों को या नियर बाय रिलेटिव्स को करोगे? कब तक ये गेम खेलोगे? कभी ना कभी तो इस गेम को दी एंड करोगे, कभी ना कभी तो एक्सपोज होगे। शर्म नहीं आती ये सब चीज़ें करते हुए? वहाँ पे एक इंसान अपनी जर्नी शेयर कर रहा है, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आंटी की फ्रेंड के बच्चों की, वो अपनी यहाँ पे जर्नी वीडियो लेके आया, उनके वीडियो में व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके भी स्पेशली लखन और नीतू के नाम के कमेंट्स करके आने हैं, वहाँ पे जाके भी लखन और नीतू को हाईलाइट करके आना है। भैया क्यों? लखन और नीतू ने क्या कभी किसी चीज़ की शिकायत करी है कि हमारे पास ये नहीं आए, हमारे पास वो नहीं आए, हमें ये देखने नहीं आए, हमें वो देखने नहीं आए? ज़िंदगी में सबके उतार चढ़ाव चलते हैं, ज़िंदगी में सबके सुख दुख आते हैं, तो अगर आप कोई चीज़ वीडियो में नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले बंदे ने उनसे बात नहीं करी या उनको कंग्रेचुलेट नहीं किया। तो आप इस तरीके की भड़काने वाली हरकतें करनी प्लीज़ छोड़ दीजिए, ये बहुत पुराने हो गए हैं। और अगर नहीं छोड़ोगे तो इस बार मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इस बार इस भड़काने का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब उनकी फैमिली ना बहुत अच्छे से समझ चुकी है ये चीज़ें। आंटी ने अपनी फ्रेंड के साथ रिश्ता निभाया और लखन नीतू रूबी को देखने के लिए गए, है तो एक ही परिवार ना, परिवार का एक इंसान भी चला गया तो इसका मतलब वो पूरे परिवार की तरफ से चला गया, पूरे परिवार की तरफ से अपनी हाजिरी दे के आ गया। अब आंटी यहाँ पे ट्रिप प्लान कर रही है, आप लोगों को पता है कि उनके घर के क्या कंडीशन है? यहाँ से देख के तो आप लोगों ने बोल दिया कि और ट्रिप प्लान कर रही है, इनको तो लखन नीतू को भी लेके जाना चाहिए। आपको क्या पता, आप लोग देख रहे हो ना, आज आप लोगों को हिंट में लखन और नीतू ने बताने की कोशिश भी करी कि कीर्ति दीदी अच्छा फील नहीं कर रही हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने खुद के चैनल पे भी काम करना छोड़ दिया है, वो बहुत 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 कम सबके वीडियोज़ और व्लॉग्स में आ रही हैं, वो अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश कर रही हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, एक लड़की की शादी पास 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 आते आते टूटी है, परिवार वालों की स्थिति समझ सकते हो, लेकिन फिर भी वो अपनी दुख आप लोगों को नहीं दिखाते हैं, आप लोगों के सामने हमेशा अपना हंसता हुआ अपना एक पॉजिटिव वीडियो लेके आते हैं। लेकिन अगर आप इस ऑफ कैमरा उनकी ज़िंदगी में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि परेशान, दुख, डिप्रेशन हर किसी इंसान को होता है, हर कोई इंसान किसी ना किसी प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में डील कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि ऑडियंस के सामने उसे सिर्फ पॉजिटिव दिखाना है वो अपना दुख भी पीछे छोड़ देता है। अगर आंटी कोई ट्रिप प्लान कर रही है तो यू नेवर नो कि वो पूरी प्लानिंग कीर्ति के लिए हो रही हो, उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए हो रही हो, थोड़ा सा फैमिली टाइम देने के लिए हो रही हो, तो ना तो आप उनके ट्रिप में उनको जज करो, ना ही इनके परिवार के लिए जाके इनके फ्रेंड्स के पास या किसी अदर चैनल में जाके इनके खिलाफ ये फालतू के चीज़ें रचने की कोशिश करो ताकि एक दूसरे के लिए ये लोग लड़ें, एक दूसरे के लिए भड़काएं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स वालों ने स्टार्टिंग में भी यही किया था। आंटी के चैनल पे जाते थे तो उनके सपोर्टर बन के जाते थे, वहाँ पे नीतू लखन के खिलाफ बोलेंगे, उनके पास जाएंगे तो उनके खिलाफ बोलेंगे। अब यहाँ से दाल नहीं गल रही है तो चलो अब एक काम करते हैं, इनके फैमिली फ्रेंड्स के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके नीतू और लखन के लिए कमेंट्स छाप छाप के आते हैं। बहुत मज़े आएंगे, कुछ मज़े नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लगे रहो और थकते रहो। अगर तुम लोग एक नेगेटिव कमेंट करोगे तो यहाँ से हम इतनी पॉजिटिव वीडियोस बनाएंगे कि इनकी फैमिली में दरार तो बहुत दूर की बात है, इतना सा नमक भी नहीं आ पाएगा, सिर्फ मीठा मीठा आएगा, ठीक है। तो इस बार जो भी सोच के आए हैं कि नहीं इस बार वापस इस फैमिली को हिलाना है, तो इस बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार फैमिली की बुनियाद ना बहुत ज़्यादा पक्की हो चुकी है और ऐसे कोई भी ड्रामे, ऐसे कोई भी सोची समझी चाले इस बार नाकामयाबी रहेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 5-7 महीने से तो ये लोग बिल्कुल चुप थे, अचानक से कैसे ये लोग उछल के, पिछले हफ्ते भर से मैं देख रही हूँ कि ये लोग उछल उछल के आ रहे हैं नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए। कहाँ से निकल के आए हो बताओ तो, कहाँ से निकल के आए हो, अचानक से कैसे आप लोग उपज गए, वापस से कैसे एक्टिव हो गए हो, कौन आप लोग जो जा जाके उनके खिलाफ इधर उधर भड़का रहे हो? कुछ और काम नहीं है क्या?
पता नहीं कौन लोग हैं। तो आप लोगों से भी मैं बोलूँगी कि ऐसे लोगों से सतर्क रहो, ये लोगों ने पहले भी प्रॉब्लम क्रिएट कराने की कोशिश करी थी और एक बार फिर से ये यही सब चीज़ें कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ टॉक्सिक लोगों से हमेशा दूरी बना के रखो, इनके बहकावे में इनके भड़कावे में कभी भी आने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना कि फैमिली फैमिली होती है और फैमिली से ऊपर कोई नहीं होता, फैमिली से नीचे कोई नहीं होता, फैमिली ही सब कुछ होती है। तो अपनी फैमिली को हमेशा से स्ट्रांग रखो और ये दो चार लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब जब ऐसे लोग पॉपअप करके बाहर निकलते रहेंगे ना नेगेटिविटी फैलाने के लिए, किसी भी तरीके से लखन और नीतू को नीचे गिराने के लिए, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कराने के लिए, क्योंकि बेसिकली अच्छी नहीं लग रही है। फैमिली अच्छे से रह रही है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, सबके व्लॉग्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं, तो देखा नहीं जा रहा है, समझ रहे हो आप, देखा नहीं जा रहा है, जेलसी हो रही है। तो इस जेलसी में क्या करें, डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब कैसे करेंगे, यहाँ आग लगाते हैं, वहाँ आग लगाते हैं, इन लोगों के बीच में लगाते हैं, अपने आप ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो व्लॉग भी डिस्टर्ब रहेगा। तो ये पूरा का पूरा इस समय पर प्रोपोगंडा रचा जा रहा है, जिसके लिए आप सब लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की कोई भी अफवाहों में आप लोग बिलीव ना करें। अगर कोई अफवाह ऐसी आप लोगों के पास आती है, आप लोग सुनते हैं, तो एक बार आप लोग शेयर करना, बताना, उसके बाद ही कोई चीज़ अपने दिमाग में लेके आना या फिर सोचना। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, छोटी सी थी, ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाए और गलतफहमी ना हो। अभी हाल फिलहाल कुछ भी ऐसी हलचल नहीं हुई है, ये सब कुछ पुराना है। वो अलग बात है कि अब इस मैटर को वापस से हाईलाइट करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उनको उनकी कोशिश में हमें सिर्फ कामयाब नहीं होने देना है। मैं जानती हूँ कि आप लोग इस चीज़ में फुल सपोर्ट करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।